Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and safe at home. Students, today we will do the correct orders of the words to create a sentence. Okay, students, come to the class. Shall we start, students? What we have to do? Put these words in the correct order, then write the answers for these questions. Okay, you can see the picture of Aditi, Karan, Soha, Mohan and Nita. First question, does Soha look angry? Kya Soha angry lag rahi hai? What you have to given? Angry, then she, then looks. And we have to make the order. Okay, student, first of all, subject will come. Who is our subject? She. Okay. Yes is given, she, उसके बाद क्या आएगा verb, हमारी verb क्या है, looks, she looks angry, okay students, हमें order कैसे देना है, सबसे पहले हमारा subject आएगा, हमारा subject कौन है, she किसके लिए use किया गया है, Soha के लिए, हम pronouns में कर चुके हैं ना, girls के लिए कौन सा pronoun use होगा, she, और उसके बाद क्या आएगी verb, हमारी verb क्या है, looks और उसके बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट क्या है एंग्री नाउ कम टू द सेकंड सेंटेंस डज नीता वियर ग्लासेस क्या नीता ने ग्लासेस पहने हुए हैं देखिए पहने हुए हैं ना यस और उसके बाद क्या आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट क्या है शी उसके बाद वर्ब हमारी वर्ब क्या है वियर्स और देन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है glasses तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा स्टूडेंट्स she wears glasses और सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है फुल स्टॉप आता है ना आपको दिख रहा है ना फुल स्टॉप किसके साथ लगा हुआ है glasses के साथ तो आपको एक हिंट और मिल गया glasses कहाँ आएगा सेंटेंस के लास्ट में और फर्स्ट लेटर क्या होता है कैपिटल होता है और हमारा कैपिटल लेटर कहाँ है she में है तो she कहाँ आएगा पहले तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ टू हिंट्स मिल गए एक तो सब्जेक्ट पहले आता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में और फर्स्ट लेटर क्या होता है कैपिटल होता है और सेंटेंस लास्ट जब क्लोज होता है तो लास्ट में क्या आता है फुल स्टॉप आता है ना तो ग्लासेस के बाद क्या है फुल स्टॉप कम टू द नेक्स्ट इज अदिति शॉर्ट सी क्या अदिति शॉर्ट है सी इन द पिक्चर क्या अदिति आपको शॉर्ट लग रही है नो No, she is tall. हमारा आंसर क्या होगा No, she is tall. First of all, subject आया हमारा subject क्या था She. उसके बाद helping verb is और last में tall. और जब sentence ख़त्म होगा तो last में क्या आएगा Full stop. Is Karan wearing a green t-shirt? क्या करण ने green t-shirt पहनी हुई है See in the picture. Yes, it is green. T-shirt कैसी है Green है T-shirt के लिए क्या use किया गया pronoun? It is green. Does Mohan look happy? क्या Mohan happy दिख रहा है No, he looks sad. Sentence किससे start हुआ subject से हमारा सब्जेक्ट क्या था मोहन था और मोहन के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ हुआ है ही और उसके बाद हमारी क्या आएगी वर्ब हमारी वर्ब क्या है लुक्स और उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट सैड और सैड के लास्ट में क्या लगा हुआ है फुल स्टॉप लगा हुआ है ना जब सेंटेंस ख़त्म होता है तो उसके लास्ट में क्या आता है फुल स्टॉप तो हमारा आंसर क्या हुआ ही लुक्स सैड स्टूडेंट्स अब आपको क्लियर हो गया किस सेंटेंस किससे स्टार्ट करोगे सब्जेक्ट से और ख़त्म किससे करोगे ऑब्जेक्ट से सेंटेंस का फर्स्ट लेटर क्या होगा कैपिटल और सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा फुल स्टॉप ओके स्टूडेंट्स बाय बाय हैव अ नाइस डे